हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, आज है मंडे और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, मतलब सॉरी 5:30 बोल रही हूँ, 6:30, मतलब 6:30 बजने वाले हैं। तो मैं करने वाली हूँ वर्कआउट, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ वर्कआउट वीडियो शेयर कर देती हूँ आज, क्योंकि आप लोगों ने काफी लोगों ने कमेंट की थी वर्कआउट वीडियो चाहिए करके, तो मुझे लगा कि आपको जरूरत है वर्कआउट वीडियो की, तो इसी वजह से आज वर्कआउट वीडियो शूट करने वाली हूँ। और ऐसे ही हम लोग शाम को वर्कआउट करते हैं, एक्चुअली डेली कर रहे हैं आजकल, मतलब 3-4 दिन हो गए डेली कर रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो आज आपकी डिमांड पे वर्कआउट वीडियो शेयर कर देती हूँ आपके साथ। और आज मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि थोड़ा सा हो रहा था कि पेन भी हो रहा था थोड़ा सा, क्योंकि वर्कआउट कर रहे हैं इतने दिनों के गैप के बाद, तो थोड़ा सा पेन हो रहा था, इसी वजह से मैंने आज कोई व्लॉग शूट नहीं किया। तो फिर भी आज आपको वर्कआउट वीडियो मिल जाएगा, और जो लेडीज अभी घर पे है लॉकडाउन की वजह से, जो जिम जा रही है वो भी ये वर्कआउट कर सकती है, और जो लेडीज घर पे ही रहती है हमेशा के लिए, जो जिम नहीं जाती है, तो उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वाला वीडियो, क्योंकि घर पे रह के आप वर्कआउट कैसे कर सकते हो, और अभी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको वर्कआउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वर्कआउट कीजिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि आप लोग घर पे रह रहे हो, आपके हस्बैंड घर पे रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ डिमांड करते होंगे खाने की, और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक तो आपका वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाएगा, तो इसी वजह से आप पहले से ही उसके लिए तैयार रहिए, पहले से ही आप वर्कआउट करते रहिए, तो आपका वेट गेन नहीं होगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि आपके हस्बैंड के साथ साथ आपका वेट भी गेन हो जाएगा, मतलब आपके हस्बैंड आपको डिमांड करते रहेंगे कुछ ना कुछ अलग अलग डिशेस खाने की, और उसके साथ आपका वेट गेन होगा। तो इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि आपको वर्कआउट करना चाहिए। तो चलिए फिर जल्दी से जाते हैं और वर्कआउट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको जंप करना है, मतलब हल्की सी ऐसी जंप करना है, मतलब आपकी जो बॉडी है वो वार्म हो जाए, और इस तरह से ये 10 टाइम्स करना है। उसके बाद थोड़ी सी हाई जंप लेना है, वो भी 10 टाइम्स करना है, मतलब आप पहले दिन अगर वर्कआउट कर रहे हो तो 10 10 के रिपीटेशन करना है। उसके बाद ये जंपिंग जैक्स करना है आपको, ये 10 टाइम्स करना है आपको, मतलब सब जो आप कर रहे हो वर्कआउट वो 10 टाइम्स करना है, तो इस तरह से आपको करना है। उसके बाद ये वाला करना है, तो ये भी 10 टाइम्स करना है, पहले एक लेग, फिर दूसरा लेग, पहले लेफ्ट लेग और फिर राइट लेग, तो इस तरह से करना है, और ये भी 10 टाइम्स करना है, मतलब 10 टाइम्स एक साइड में, 10 टाइम्स एक साइड में, तो इस तरह से करना है। और उसके बाद हाई जंप करना है, मतलब 1 लेग, तो इस तरह से ये भी 10 टाइम्स करना है, 1 लेग 10 टाइम्स, तो इस तरह से आपका हो गया ये। फिर आपको इस तरह से करना है, एक हाथ पीछे लेग पे और एक हाथ आगे नी के पास, और इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है 10 10 टाइम्स, एक लेग का 10 टाइम्स स्ट्रेच करना है, और वो भी हर लेग आपको 10 10 टाइम्स करने हैं, मतलब जैसे मैं यहाँ पर एक लेग कर रही हूँ 10 टाइम्स स्ट्रेच कर रही हूँ, फिर वो हो गया एक लेग, और फिर सेकेंड लेग हो गया, वहाँ पर 10 टाइम्स कर रही हूँ, फिर ऐसे आपको दोनों लेग 10 10 टाइम्स करने हैं, फिर इस तरह से आपको स्ट्रेच करना है एक लेग, और एक लेग को मतलब दूसरे लेग पे आपको पूरा लेके जाना है, होल्ड करना है, और इस तरह से आपको करना है, ये भी 10 टाइम्स करना है आपको। उसके बाद आपको ये वाले करने हैं, उसके बाद ये वाले पहले मतलब स्लो करना है 10 टाइम, फिर उसके बाद फास्ट 10 टाइम, फिर उसके बाद स्लो 10 टाइम, फिर उसके बाद फास्ट 10 टाइम, ऐसे करना है, मतलब 2 बार स्लो और 2 बार फास्ट, ऐसे करना है आपको। ये वाला कि जो हाथ है इसमें आपके टो को लगने चाहिए, और क्या बोलते हैं, आपके जो नी है वो आपके टाइट रहने चाहिए, बेंड नहीं होने चाहिए, तो इस तरह से आपको मतलब इसकी पोजीशन रखनी है, और इस तरह से ये 20 स्लो और 20 फास्ट, ऐसे करना है आपको। इसमें पहले स्लो करना है 10, फिर फास्ट करना है 10, फिर स्लो करना है 10, फिर फास्ट करना है 10। अभी हम करेंगे स्क्वाट्स, तो स्क्वाट्स की पोजीशन ले लेनी है आपके कमर के, मतलब हिप के जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको पैर रखने हैं, मतलब डिस्टेंस रखना है पैरों में, और आपका जो हिप है वो आर्च करना है, मतलब बैक आर्च करना है, और उसके बाद आपको इस तरह से पोजीशन लेनी है और स्क्वाट्स करने हैं 10 टाइम्स, मतलब 10 10 के 30 रिपीटेशन करने हैं आपको इस तरह से। जैसे ही एक 10 का सेट हो जाता है उसके बाद आपको होल्ड करना है और 10 टाइम आपको काउंट करना है, तो इस तरह से आपको करना है। और उसके बाद लंजेस करने हैं, दोनों पैर साथ में रखिए, और उसके बाद एक पैर आगे उठाइए, दूसरा पैर बेंड कीजिए, और इस तरह से करिए, तो ये हो गया लंजेस। ये आपको 10 रिपीटेशन के 3 सेट करने हैं,
तो इस तरह से आप लंजेस कर लीजिए। ये जो वर्कआउट है मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, तो ये फुल बॉडी वर्कआउट है, मतलब नीचे से पैर से लेके आपको गर्दन तक ये वाला वर्कआउट आपके काम आएगा। मतलब पूरी बॉडी इससे स्ट्रेच होगी, ये पूरी बॉडी का फैट बर्नने में आपके काम आएगा। तो आप इस तरह से अगर डेली वर्कआउट करते हो ना, तो आपकी पूरी बॉडी में जो भी फैट है वो कम हो जाएंगे, मतलब एक्स्ट्रा जो फैट है वो कम हो जाएंगे। फिर आपको लंजेस करने हैं, उसके बाद वो भी चलते हुए लंजेस करने हैं, मतलब आपको रुकना नहीं, एक जगह पे लंजेस नहीं करने हैं, इस तरह से चलते हुए लंजेस करने हैं। और वो भी आपको 30 करने हैं, मतलब 30 टाइम आपको गिनना है लंजेस को। और उसके बाद आपको हिप रोटेट करना है, तो पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो पहले क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, फिर क्लॉकवाइज 10 टाइम्स, फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम्स। तो ऐसे करके आपको मतलब 10 रेपिटेशन के 3 सेट करने हैं। तो इस तरह से आपको कर लेना है, मतलब ये हो गया आपका हिप के लिए। और जो लंजेस और स्क्वाट्स है वो भी, स्क्वाट्स भी आपके बैक के लिए है और लंजेस तो आपके थाइज वगैरह के लिए है। तो ये और ऊपर अभी साइड करेंगे हम लोग, तो साइड करने के लिए जैसे किसी के पेट पे साइड पे फैट होता है तो वो इससे बर्न होता है, और जो कमर पे कर्व आता है तो वो इससे आता है। तो इस तरह से आप साइड कर लीजिए, साइड के फैट इससे निकल जाएंगे, बहुत लोगों के साइड के फैट होते हैं तो वो इससे निकल जाएंगे और आपकी बॉडी पूरी शेप में आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको 10-10 के रेपिटेशन करने हैं, पूरी बॉडी स्ट्रेच करनी है आपको साइड में, और फिर आपको 10 के रेपिटेशन 3 करने हैं, मतलब 3 सेट करने हैं 10 रेपिटेशन के। उसके बाद आपको इस तरह से करना है जैसे मैं दिखा रही हूँ, और आपको सिर पे हाथ रखना है, और उसके बाद आपको इस तरह से झुकना है दूसरे पैरों में। सिर्फ आपको पैर को बेंड नहीं करना है, तभी स्ट्रेच आएगा बॉडी में, नहीं तो स्ट्रेच नहीं आएगा। अगर जो पैर है वो बेंड हो जाएंगे तो स्ट्रेच नहीं आएगा। तो इस तरह से करना है आपको, इसके 10-10 के रिपीटेशन, वन साइड 10 के रिपीटेशन, ये आपको 30 करने हैं, मतलब 3 सेट करने हैं 10 रिपीटेशन के, एक साइड में 10, एक साइड में 10, एक साइड में 10, एक साइड में 10, ऐसे आपको 3 सेट करने हैं। और इस तरह से करना है आपको रोटेट हाथों को, ये ऊपर के लिए, बैक के लिए, बैक में जो फैट होते हैं आपके तो ये इससे कम हो जाएंगे और आपके बॉडी अच्छे से स्ट्रेच हो जाएंगी। तो इस तरह से करने हैं आपको, फिर इस तरह से करना है आपको, इससे भी पूरी बॉडी स्ट्रेच होती है। ये 10 एक साइड में और 10 एक साइड में, इस तरह से आपको 10-10 के रेपिटेशन करने हैं। फिर यहाँ पर आपको स्ट्रेचिंग करनी है कुछ इस तरह से, स्ट्रेट हाथ रखने हैं, फिर पहले पहला हाथ ऐसे, दूसरा हाथ ऐसे, फिर ऐसे करना है, और फिर आपका एल्बो के पास हाथ रख के कुछ इस तरह से स्ट्रेच करना है। और उसके बाद हाथों को मतलब क्लॉकवाइज पहले घुमाना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इस तरह से 10-10 के रिपीटेशन करने हैं आपको, और जो आप मतलब होल्ड करते हो तो उस टाइम भी आपको 10 तक गिनना है, मतलब 10 तक काउंट करना है। उसके बाद नेक रोटेट करना है इस तरह से, मतलब इससे नेक का वर्कआउट भी हो जाएगा। फिर उसके बाद ये नेक आगे पीछे करना है, तो इससे भी मतलब नेक वर्कआउट होता है और नेक पेन भी चला जाता है इससे। तो इस तरह से आपको करना है स्ट्रेचिंग। आप एक बार और आराम से देख लीजिए कि किस तरह से मैं कर रही हूँ, मतलब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।